जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस नेताओं ने अब नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वे साफ शब्दों में कह चुके थे कि वे किसी हालत में मरते दम तक भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। अब उन्हीं के द्वारा गठबंधन का प्रयास किया, और यदि वो कन्वीनर बनना ही चाहते थे तो बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऑफर भी किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कदम उठाने का क्या कारण रहा? जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक विरोध भाजपा का करने का की पहल की थी, उस पर कायम रहना चाहिए था। आखिर वो कैसा नेता जो रोज कहे कुछ और करे कुछ। दोनों तरफ से अमित शाह जी ने कहा था कि किसी हालत में नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है इस बारे में। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि मैं जहां था वहीं आ चुका हूं, वापस आप कहीं नहीं जाऊंगा। वो तो कई बार कह चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने राजनीति की नई परिभाषा बताई है देश के लोगों को, और जो कुछ बिहार के अंदर हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के लोग राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना और यकीन करना छोड़ देंगे। देश के लोगों को राजनीतिज्ञों पर, राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। वो कोई भी बात कहें, कोई भी वादा करें, उन वादों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आरजेडी के भी नेता हैं, वो उनको गिरगिट बता रहे हैं कि रंग बदलने वाले कोई अगर है तो नीतीश कुमार। देखिए, कौन क्या टिप्पणी करता है ये उनका अपना मामला है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बिहार की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करेगी, बिहार की राजनीति लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाएगी। नीतीश जी ने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इस जुमले का क्या मतलब है? ये उनका अपना फैसला है, वो बीजेपी में चले गए, पहले भी बीजेपी में रहे हैं, किसी को इस बात पर एतराज नहीं है कि वो बीजेपी में चले गए। एतराज इस बात पर है कि जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है पिछले 8-10 सालों में, उससे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। देखिए, ये तो एनडीए बताएगा कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज की राजनीति में विचार खत्म होता जा रहा है, आइडियोलॉजी खत्म होती जा रही है, और जब सत्ता आइडियोलॉजी पर हावी हो जाती है तो फिर राजनीति राजनीति नहीं रहती है, फिर लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं।